नमस्कार साथियों आप सबका स्वागत है उत्कर्ष परिवार में मेरे साथ महेश कुमार जैन और आज हमारे साथ है अनिल सर और आज अनिल सर आपको क्या किस किस किसके लिए हम यहाँ आए हैं तो हम आए हैं कि टेस्ट सीरीज किस तरह से दी जाए और उसमें क्या, क्या उसके क्या क्या फायदे हैं और किस गाइडलाइन के थ्रू टेस्ट सीरीज को दिया जाए तो अनिल सर, आ, सर। आ, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ थैंक यू सर नमस्कार और सबसे बड़ा यही बच्चों का क्वेश्चन है सर कि कि टेस्ट सीरीज के क्या क्या फायदे हैं और हमें किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए तो आप बच्चों को जरूर बताइए सर बिल्कुल सर जो एस एस सी जेई को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने प्रिपरेशन जो है वो उनकी चल रही है तो उस प्रिपरेशन को सर लास्ट टाइम में टेस्ट करना है आपको कि कितनी प्रिपरेशन किस लेवल की प्रिपरेशन आप कर चुके हो तो उस प्रिपरेशन को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया जो सर जरिया होता है वो होता है टेस्ट सीरीज सो सर टेस्ट सीरीज इसीलिए डिजाइन की जाती है लास्ट ये सर टेस्ट सीरीज कभी भी स्टार्टिंग में नहीं शुरू होती है ये शुरू होती है सर लास्ट में बिल्कुल सर कि जैसे अब का एग्जाम जो है वो सर 14 टू 16 नवंबर 14 नवंबर से जो है, जो है 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 वो वो एग्जाम आपका डिसाइडेड 14 नवंबर से एग्जाम होगा आपका तो सर अब हमने जो है वो सर उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस ने क्या करा सर टेस्ट सीरीज जो है वो हम लेके आ गए बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज जो है वो so, जल्दी लॉन्च होने वाला है सेवेंथ ऑफ अक्टूबर से आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है अब जैसे सर पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के क्या फायदे हैं तो सर सबसे अच्छा फायदा जो है वो ये है कि आपको एक तो सर पेन इंडिया स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन जो है वो फील कर सकते हो सर ये रियल टाइम कंपटीशन है आपके पास जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे सर उन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स में आपकी एक रैंक जनरेट होगी बिल्कुल और उस रैंक से आपको ये पता चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन का लेवल जो है वो कहां है जैसे सर पहला टेस्ट देते हो आप तो उस पहले टेस्ट में मान लो कि ऑल इंडिया रैंक आपकी जो है वो अंडर थाउजेंड आती है सर

एक वो क्या कर रहा है सर वो धोखा कर रहा है सर है साथ। सर अपने यही यही एक समस्या ये थी कि जैसे पहला टेस्ट देता है पहला सब में शुरुआत करने में सर, जब शुरुआत होती है ना तो बहुत जोर से शुरुआत की जाती है हुँ. पहला टेस्ट उसने दिया उसके साथ नंबर कम आ गए तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाता है तो आप वहां वहां आप स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करेंगे सो देखो सर हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है सब्जेक्ट भी ऐसा ही होता है कि कुछ आपके सब्जेक्ट स्ट्रेंथ जो है वो आपके स्ट्रांग होती है कुछ सब्जेक्ट आपकी कम वो होती है लेकिन उसको कैसे पता चलेंगे कभी कभी सर एक क्या होता है एक फोबिया भी होता है कि सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा आता है लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज में जाते हैं जब एग्जाम में जाते हैं तो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते बिल्कुल सर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज जो है वो जब ज्वाइन करोगे आप तो आपको जब वो क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस 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 सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूं भी कि नहीं हूं बिल्कुल सर तो वो सब आपको देना पड़ेगा तो जैसे सर बोल रहे हैं कि पहला टेस्ट खराब हो गया सर मेरा रैंक जो है वो कम हो गया तो सर इसमें डीमोटिवेट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है डीमोटिवेट होना चाहिए नहीं आपको क्योंकि अब जो बाकी के टेस्ट हैं तो उसमें क्या होगा आपको मौका और मिलेगा तो ये मौका सर जितनी गलतियां का मतलब क्या है कि जितनी गलतियां करनी है ना वो सर आप पहले कर लो, पहले कर लो लो एग्जाम से पहले बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही यही कहना चाहता था आपसे टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट से लेके अपन को एट द लास्ट टेस्ट तक कंटिन्यूटी मेंटेन करके चलना चाहिए आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे देखोगे पहले टेस्ट को आपने दे लिया तो आपके नंबर कम आए तो आप कभी घबराओ नहीं उसका सर पूरा का पूरा अच्छे से अपन को एनालिस करना चाहिए कि अपने नंबर कम क्यों आए बिल्कुल किस वजह से किस कारण से मैंने नंबर कमाए तो कहीं ना कहीं सर वही रिफ्लेक्शन पेपर में देखने को मिलता है बिल्कुल डेफिनेटली वही आपको पेपर में देखेगा तो इसीलिए सर क्या है टेस्ट सीरीज को अगर अपन जितने सीरियस देंगे सर मैं बहुत स्टूडेंट्स जो है प्रीवियस अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करता हूं तो सर

सकते हैं और आराम से आप उसको देख सकते हैं और जैसा कि कि सर ने भी बताया आपको 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 अगर आप एक एक आप कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे एक में चलोगे ना तो जरूर जरूर सफलता है, सफलता आपको जरूर मिलती है है मिलती पर सर बिल्कुल सर सर डेफिनेटली सक्सेस पाने का सर एक ही तरीका है इसमें कुछ रखनी पड़ेगी डिसिप्लिन करना पड़ेगा हालांकि वो सर जरूर दर्द देता है What? लेकिन अगर उस डिसिप्लिन का दर्द आपने झेल लिया ना तो सर फिर आपको असफल होने का दर्द जो है ना सर वो आपको जो है वो नहीं झेलना पड़ेगा और सर यहाँ मैं ये यह भी कहना चाहता हूँ स्टूडेंट है ना इन्हीं चीजों को फॉलो नहीं करते हैं right. तो जो जो सर, सर जिनको सफलता मिलती है ना सर वो वो कम क्यों होते हैं वो इसी वजह से कम होते हैं उनका उनका नंबर कम होने का यही एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर जो सक्सेस होते हैं स्टूडेंट्स वो कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं सर दे डू द थिंग्स डिफरेंटली और डिफरेंट तरीका क्या है यही है कि दे मेंटेन द डिसिप्लिन दे मेंटेन द कंसिस्टेंसी ये आपका बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सर सो आई होप की सर जो टेस्ट सीरीज है वो सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करें सारे स्टूडेंट्स इन टेस्ट सीरीज को जो है वो क्या करें एंजॉय करें अपनी प्रिपरेशन का लेवल जो है वो चेक करें क्योंकि अब जो है वो सर अंतिम समय आ गया है आखिरी क्षण आ गए हैं इस एग्जाम में जितने बाण आपके अब तर्कश में है वो सारे बाण अब अपन को चलाने हैं यूज करने हैं तो सर यही मेरे हिसाब से जो है वो राइट सम है सर बिल्कुल तो जैसा अनिल सर ने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज के क्या फायदे हैं और किस तरह से आपको इसको फॉलो करनी चाहिए इसी मुद्दे पर इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन जो आपके होंगे आप हमें टेलीग्राम पर हमें करिए शेयर करें और हमें भेजिए तो हम उन समस्याओं को आपको डील करना किस तरह से डील करेंगे वो हम आपके सामने लेके आएंगे तो आज का सेशन मैं यही अवर करता हूँ थैंक यू सो मच नमस्कार